गौतम बुद्ध की कहानी से जानें कि आप अपने मन को कैसे समझ सकते हैं और समझने का सूत्र क्या है। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध हमें क्या बताना चाहते हैं, हमें अपने मन को समझने का सूत्र वो क्या बता रहे हैं। दोस्तों, मनुष्य का मन बहुत ही चालाक होता है, वह उसे उसके ही जाल में फंसा देता है। हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं और ऐसा नहीं है कि हर अंधविश्वास गलत होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप नशा करते हैं और नशा करके आप अपने आसपास गंदगी का माहौल बनाए रखते हैं, तो इसका असर आपके जीवन पर जरूर पड़ता है, चाहे आप मानो या ना मानो। एक छोटी सी कहानी से मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगी कि हमारा मन हमारे कैसे हमारे ही अंधविश्वास में बंद कर हमें रख देता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि क्या आप मेरे चैनल पर नए हैं। अगर हाँ तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक और जागरूक बातें हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार बुद्ध एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे और सर्दियों का समय था। सभी लोग मार्ग पर मोटे मोटे वस्त्र ओढ़कर चल रहे थे। तभी बुद्ध की नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है जो नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा होता है। बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति कांप भी रहा था और नहा भी रहा था। बुद्ध उस व्यक्ति से इतनी ठंड में नदी में डुबकी लगाने का कारण पूछते हैं। फिर वह व्यक्ति बुद्ध को बताता है कि वह सुबह सुबह नदी में नहा धोकर पूजा के लिए जा रहा था, तभी उसका पैर एक मेंढक पर पड़ गया और उसके कारण वह अपवित्र हो गया है, इसलिए वह फिर से पवित्र होने के लिए ही नदी में डुबकी लगा रहा है। बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उसे पूछते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो मेंढक कहाँ जा रहा था। वह व्यक्ति कहता है, पानी में। फिर बुद्ध कहते हैं, जब तुम इस पानी में डुबकी लगाने से पवित्र हो सकते हो, तो वो मेंढक तो हमेशा से ही इस पानी में रहता है, तो वह मेंढक तो पहले से ही पवित्र होगा, उसके छूने से तुम अपवित्र कैसे हो गए। उस व्यक्ति को बुद्ध की बात जचती है और वह पानी से बाहर आ जाता है। बुद्ध उस कांपते हुए व्यक्ति को एक वस्त्र उड़ाते हैं और कहते हैं, अंधविश्वास किसी बात का मत करो जब तक कि वह तुम्हारे खुद का अनुभव ना बन जाए। फिर बुद्ध कहते हैं, मनुष्य अपने मन के कारण ही दुख पाता है, और जो चीजें अपवित्र हैं उन्हें तो वह अपवित्र नहीं मानता, लेकिन जो चीजें पवित्र हैं उन्हें वो अपवित्र मानता है। जैसे कि लोग नशा करते हैं और एक दूसरे से घृणा का भाव भी रखते हैं, लेकिन उन्हें वो अपवित्र नहीं मानते। वे मानते हैं कि कोई जीव जो उनके जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं डालता वह अपवित्र है। मनुष्य हमेशा हमेशा से ही अंधविश्वासों में जीता है, जिसके कारण वो पूरे जीवन अच्छे से जीवन जी नहीं पाता। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है। फिर बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंधविश्वास यह है कि उसे लगता है वह अपने मन के द्वारा ही अपने मन से मुक्त हो जाएगा, यानी अपने मन के द्वारा ही अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तुम अपने चारों तरफ देखो, तुम पाओगे कि हर व्यक्ति अपने ही मन के जालों में उलझता जा रहा है और उलझा भी हुआ है। कोई डरा हुआ है तो कोई उम्मीदों में जी रहा है, और किसी को यह लगता है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वास्तव में और वास्तविकता यह है कि जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझेगा, तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, और यही शाश्वत सत्य है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मन को कैसे समझा जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि जागरूकता के द्वारा। पूरे दिन में जब भी याद आए, जागरूक होकर देखो कि तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें भुलाने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम्हें बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। तुम्हें दिन में ये बार बार देखना है कि क्या तुम उसी रास्ते पर जा रहे हो जो तुम्हें वहां तक पहुंचाएगा जहां तुम जाना चाहते हो।
क्योंकि यही सूत्र है अपने मन को समझकर मन से मुक्त होने का। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानी कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अपने मन को जागरूक करो। हमें दुनिया में और हमने अपने बचपन से लेकर अब तक हम हमेशा से सुनते आए हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? क्या हमारा मन गवाही देता है? हम वास्तविकता को क्यों नहीं पहचानते? हम जागरूक क्यों नहीं होते हैं? किसी भी चीज करने का कारण होता है, उस कारण को जानो। वो कारण अगर आपका मन बोले कि ये आपका मन बोले कि ये कारण सही है या सत्य है और इससे आपको खुशी मिलती है, आपको तृप्ति मिलती है, वो काम सही है। जागरूक बनिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा, अपने फैमिली में मिलके मेरा वीडियो ये देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने बात की है जागरूकता की। दोस्तों, मैं फिर से मिलूंगी इसी चैनल पर एक नई रोचक जानकारी और कहानियों के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।